हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार चनियाल, आपका स्वागत है मेरे चैनल ग्राफिक एक्स पर। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक और नई चीज़ कि मैंने आज एक बॉक्स बनाया है, तो मैं उस बॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा। आज पूरा डिटेल बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से पूरा बॉक्स बनाया है, किस तरीके से हमको साइज़ मिला था। जो इसका बॉक्स का साइज़ दिया गया है हमें 5 इंच बाय 1.5 इंच का दिया था, और मैंने फिर उसके ऊपर अपने प्रोसेस करके जो भी मेरी क्रिएटिविटी थी उस तरीके से मैंने बनाया बॉक्स। तो मैं आपको भी ले चलता हूँ जल्दी से स्क्रीन की ओर और देखते हैं हम बॉक्स किस तरीके से बनाया जाता है। तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आ गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। तो ये पहले मैं अपने डायमेंशन जो मेरे में हमें मिला है वो क्या मिला है हम देख लेते हैं। हमें मिला है 5 इंच और 1.5 इंच। तो आपको लग रहा होगा ये कैसे मुझे पता लगा, तो ये 2 डॉट्स हैं, ये इंचेस के सिंबल्स होते हैं, तो ये 5 इंचेस है और ये 1.5 इंचेस है करके मुझे पता लग गया है। पहली मैंने बना चुका हूँ ये बॉक्स, तो मैं आपको समझाने के लिए दोबारा बनाऊंगा इसे कि मैंने कैसे बनाया। पहले मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, जो कंपनी का नाम था, ये लोगो है और उनका जो प्रोडक्ट है और कितने पीसेज है इसके अंदर, वो बनाया मैंने, ठीक है। तो अब चलते हैं कैसे बनाया, ठीक है। पहले मैंने सबसे पहले स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद जो स्क्वायर का मुझे साइज मिला है वो 5.5 मिला है, ठीक है, 5.5। अभी ये क्या, ये टॉप हो गया, मान लीजिए ये टॉप हो गया, तो मैं इसको टी का वो दे रहा हूँ नेम, टी से जिससे आपको जल्दी समझ आ रहा है। फ्रंट कवर हो गया, ठीक है, टॉप हो गया, और एक बॉटम हो गया जो डाउन साइड है हमारा, इसको मैं पी का नाम दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब साइड का जो अभी साइड आया, साइड का जो साइज आया हमारा 1.5 आया, तो उसे 1.5 दिया, ठीक है। इसको मैं ऐसे दे देता हूँ नाम, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा अभी के लिए हम अच्छा रहा देंगे। एस के एक और आ गया, ये जल्दी शायद चाहिए हमें, ठीक है, और एक और चाहिए हमें जो फ्रंट आएगा, इसको मैं एफ का नाम दूंगा, ये आगे से लॉक करेगा मेरे बॉक्स को। इसको मैंने एफ नेम दिया, और फिर एक आएगा टॉप, टॉप का जो इसका जो वो रहेगा हाइट रहेगी इसकी 1.5, क्योंकि हमें ऊपर दे रखी है 1.5, तो इसको मैं नाम दूंगा, इसलिए हम इसको डब्ल्यू नाम दे रहे हैं, डब्ल्यू दे रहे हैं। ये मैं सोच रहा कि डब्ल्यू के अंदर क्या होता है, मतलब इसका कुछ नहीं, बस ऐसे जस्ट नेम दे रहा हूँ आइडियाज के लिए, ठीक है। ये नीचे आगे डब्ल्यू हमें को इसके ऊपर के लिए जो लॉक करने के लिए जो कवर बनाना है उसको भी हम एक और बना लेंगे, ये सेम साइज रहेगा इसका भी, ठीक है जी। और अब हमें बनाना है सेम दोनों डब्ल्यू की कॉपी, अभी हम आप देख सकते हैं ये काइंड ऑफ बॉक्स बन चुका है। अब हमें इसका अलाइनमेंट करना है, मेरे को अलाइनमेंट करने के लिए जो मैं पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ, मैं पहले एक यहाँ लाइन दूंगा और यहाँ लूँगा, इसी की देखिए होगा क्या, मैं इसे टी करूँगा, सीधे से टॉप से लाइन कर दूँगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा और यहाँ से राइट साइड, तो आर दबाऊँगा राइट साइड लाइन, यहाँ से तार भी लेना को अलाइन करूंगा मैं इसके साथ, पूरा अलाइन हो चुका है, देना मैं यहाँ आऊँगा और इसको अलाइन करूंगा इसके साथ, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, अब मुझे अलाइन क्या करना रह गया, हमारा ऊपर टॉप साइड अलाइन करना रह गया। तो टॉप साइड को अलाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, टॉप साइड को अलाइन करने के लिए क्या करूंगा, तो मैं भी उसे बी करूंगा, तो ये बी से अलाइन हो चुका है, ठीक है, पूरा अभी पूरा अलाइन हो चुका है। आप देख सकते हैं काइंड ऑफ ये सेम सेम लुक आ गया है इसका। तो अब मुझे करना क्या है, रह जो हमें रह गए हैं, हमें साइड से जो मिनी लॉक्स होते हैं, मिनी लॉक्स बोले तो जैसे ये है मिनी लॉक्स के सामने, ठीक है, तो मिनी लॉक्स बनाएंगे हम लोग। इसे कैसे बनाएंगे, हम सेम ये लेंगे और इसकी हाइट जो चौकोर बन गया, मतलब स्क्वायर शेप में आ जाएगा, 1.5 में ये भी आ जाएगा। इसको टॉप से अलाइन करा मैंने, अगेन ये डाउन में अलाइन करा, अब ये दोनों कॉपी बन गए, कॉपी बनाई मैंने इसको सी से इसके साथ अलाइन कर दिया, अगेन कॉपी बनाई मैंने इसको सी से इसके साथ अलाइन कर दिया, ये पूरा अलाइनमेंट हो चुका है।
ठीक है, अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो आपको फिर तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फिर तो आप तो बना लोगे। बट मेन होता है इसी चीज़ को समझना कि किस तरीके से बना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए इस चीज़ को बनाने में, आप मेरे को कमेंट करना, कमेंट में मैं आपको बता दूंगा। और मैं अगेन एक और वीडियो ले आऊँगा, अभी मेरे काफ़ी सारे बॉक्स के डिज़ाइन आ रखे हैं, तो वो डिज़ाइन के बारे में आपको डेली एक वीडियो बना के दे सकता हूँ मैं। बट वही है, आप कमेंट करोगे तभी। तो चलते हैं, अब मैंने करा क्या, देखिए मैंने इसका जो अब मेरे को थोड़ा लुक देना है, लुक के लिए मैंने क्या करा, 4 mm इसको मेरे को यहाँ पर लुक देना, 4 mm इसे साइड करूँगा मैं स्लैब, 4 mm मैंने ये करा, 4 mm मैंने ये कर दिया, क्योंकि अच्छा लग रहा है पहले से, 4 mm से यहाँ 4 mm मैंने इसे भी कर दिया, सेम इनको भी करूँगा मैं, 4 सेम वही सेम चीज़ यहाँ भी करूँगा मैं, 4 mm यहाँ, 4 mm यहाँ, इसको इसको अभी नहीं, इसके लिए मैंने कुछ और सोच रखा ना, ये आप देख सकते हैं ये कैसे बनाया मैंने आपको सुना भी। तो ये रह गया, इसमें मैंने क्या करा था, इसमें देखिए मैंने करा है 0.3 यहाँ से और 0.3 इस तरफ से, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कंट्रोल क्यू करा, कंट्रोल क्यू करने के बाद फिर 4 mm मैंने स्लाइड कर दिया बस, ये देखिए ये बन चुका है। अब मैं इसको कॉपी बनाऊँगा, एक कॉपी बनाने के बाद इसको बस यहाँ पर अलाइन कर दूँगा, ये देखिए बन चुका है बॉक्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये लॉक्स बनाए थे, लॉक्स को ही बताया था आपको, लॉक के लिए बनाया था मैंने कंट्रोल टी कंट्रोल एल, तो इस ये मेन है, ये हमारे बॉक्स को मतलब स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ये लॉक को हम बहुत ध्यान से बनाते हैं कि अभी देखिए मैंने क्या करा है, मैं इसे यहाँ पर 12 mm का जो साइड है उसका साइड जो लेफ्ट से मैं इसको 12 mm का गैप देना चाहता हूँ, 12 mm, ठीक है। मैं 12 mm गैप दिया मैंने यहाँ से, इसे भी 12 mm गैप दिया। अब इससे क्या कि मेरे जो लॉक है ना सारे सेम ही पोजिशन में होने चाहिए, तभी हमारा लॉक वर्क करेगा, ठीक है। अब ये क्या है देखिए, मैं इसको यहाँ से यहाँ क्या कि मेजरमेंट नहीं छेड़ेंगे, अभी आपको लग रहा हो कि आप इसको यहाँ से अपर साइड में आप इस तरीके से जोड़ दो, ऐसे नहीं तो फिर वो ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है। हमें बॉक्स के साइज़ के अंदर ही खेलना है, ठीक है। तो मैंने इसके साथ अलाइन कराए, अब मैंने इसके साथ वेल्ड कर दिया, सॉरी वेल्ड ऐसे नहीं हुआ, अब वेल्ड हो, ठीक है, अभी वेल्ड हो चुका है, ये देखिए। अब मैं इसको क्या कि जब मैं बैंड करूँगा, बैंड करने का इसे लॉक कर दूँगा, ये यहाँ पर लॉक हो जाएंगे, इसी के हमारा बॉक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे सेम यहाँ से नीचे कॉपी करेंगे, इसको एक यहाँ पर एक कॉपी यहाँ लूँगा मैं, जिससे कि मैं वेल्ड कर पाऊँ, ये यहाँ पर आया, मैंने इसे इसके साथ वेल्ड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि देखिए एक जो हमारा एक तरफ आए सारा ओके हो चुका है, यहाँ पर एक कॉपी नहीं बनी थी, सॉरी, ठीक है। अभी कॉपी आ गई, अभी देखिए ये लॉक बन गया है। मैं इसको जो आप देख सकते हैं यहाँ से इसे अंदर बैंड करूँगा, यहाँ से अंदर बैंड करूँगा, फिर देन इसको तो नीचे लॉक करूँगा इस वाले पोर्शन को, तो ये लॉक हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसी तरीके सेम यहाँ आ जाएगा, तो हमारा जो लोअर साइड है हमारा बन चुका है पूरा, ठीक है। अब हमारा रह गया फ्रंट साइड, फ्रंट साइड के लिए देखो जो अपर है हमारा, इसको लुक देंगे, मैं थोड़ा सा और लुक देना चाहता हूँ कि मैं इसको लुक देना चाहूँगा। जब आप इसे ओपन करो कोई भी, जो भी हमारा कस्टमर ओपन करेगा तो उसको पूरा प्रीमियम फील आए, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको बैंड कर दिया, मैंने क्यू करा, कंट्रोल क्यू करा, कंट्रोल क्यू करने के बाद मैंने क्या करा, इसको कन्वर्ट टू कर्व स्मूथ नोट्स कर दिए, स्मूथ नोट्स यहाँ से भी सेम चीज़ करूँगा, कन्वर्ट टू कर्व स्मूथ नोट्स, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगा, अब इसको डाउन ले, ठीक है, डाउन ले जाने के बाद सीधा करा थोड़ा सा इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं ये लुक बन चुका है। इसके लिए कॉपी बनाई मैंने, कॉपी बनाने के बाद इसको इसके साथ अलाइन कर दिया, अभी देखिए सेम बन चुका है। अब मैं करूँगा क्या, पहले पूरे में कलर कर लेते हैं हम, ये मैंने कलर किया, अब आप देखो आइडिया लग रहा है ना आपको किस तरीके से वक्त बनता है। अब फिर इसके बाद मैंने कुछ नहीं करा था, देखिए इसके बाद मैंने तो बस कॉपी पेस्ट ही मारा है, यहाँ से इसको अंदर करा, ठीक है। अभी कलर यहाँ से आ चुका है, फिर मैंने जो अंदर के फ्लावर्स थे यहाँ सजा दिए, फिर अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप जहाँ भी सजाना चाहो, मैंने जैसे कि आप बॉक्स मान लीजिए फ्रंट साइड है तो फ्रंट में लोगो दिखना चाहिए, लोगो दिखने के लिए मैंने इस लोगो को यहाँ पर लगाया है, इससे मैं इसी को एक्टिव कर दूँ, ठीक है। ये लोगो मैंने यहाँ लगाया, अभी ये देखिए अभी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, अगर ये देखो अभी गलत लगाया मैंने तो ये इसका जो होगा इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अभी लोगो जब बॉक्स बंद होगा ये फ्रंट साइड आएगा तो फ्रंट से इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये ठीक है, ये डाउन साइड है, बैक साइड है ये, ठीक है। इसका तो अभी बैंड हो जाएगा देखिए इस तरीके से कुछ, तो ये यहाँ से ज़्यादा अच्छा यहाँ लगेगा। तो ये है इसकी एक कॉपी यहाँ आ गई, अब इस तरीके से ये बॉक्स पूरा लॉक हो जाएगा, ये बैंड होके यहाँ से आ जाएगा,
कि यहाँ जाए यहाँ जाए, पूरे बैंक वो बॉक्स लॉक हो जाए। तो कोई भी दिक्कत अभी ऑल डैन है इसमें, और काफ़ी सारे अभी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आएगा, देन मैं इसका डिस्क्रिप्शन टाइप करूँगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी होनी है। तो ये बस एक आइडिया के लिए आपके लिए था कि आपको अगर कभी भी बॉक्स बनाने हैं तो इस तरीके से ही बॉक्स बनते हैं। काफ़ी सारे डिज़ाइन से बॉक्स के जो आप बना सकते हो, काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बॉक्स बनते हैं। बस ये है कि मेन गेम जो रहता है बॉक्सेस में कि वो लॉक कैसे होगा, लॉक होने का जो स्ट्रॉन्गनेस आएगी वो स्ट्रॉन्गनेस कैसे आएगी, तो वो आपको सोचना है। काफ़ी सारे डिज़ाइन बना सकते हो आप बॉक्स के, मिनी बॉक्स होते हैं, बड़े बॉक्स भी होते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइन से मैंने बॉक्स के बनाए हैं। देखिए जो ये बॉक्स है वो इस तरीके का है कुछ, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो लॉक है इसका कुछ इस तरीके से, ये यहाँ से इनसाइड जाता है, इनसाइड जाने के बाद ये इनर साइड लॉक हो जाता है इस तरीके से। तो मैंने ये ओपन करा, फिर से अगर अगेन ओपन करा, अभी देखिए ये दो साइड यहाँ पे आपके जो हमारे हैं उसमें, ठीक है, जो कर्व हम बना रहे थे वो इसलिए बनाए थे कि थोड़ा लुक आए, ये देखिए लुक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगेन प्रोडक्ट लगा देते हैं, ठीक है, अब मैं इसे ओपन करता हूँ। जो लॉक्स में बता रहा था आपको, वो लॉक्स कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये लॉक्स है, यहाँ से हम अगर ये जो होल्स हैं होल्स के साथ, अब ये है ये है, इसको अंदर करा हमने इस तरीके से, ये लॉक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लॉक हुआ है, तो ये ओपन हुआ, ठीक, अगेन सेम साइड हुआ तो ये ओपन हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा बॉक्स जिस तरीके से आपका डिज़ाइन है उसी तरीके से लुक आ रहा है, ठीक है, ये डिज़ाइन किस तरीके से दिख रहा होगा आपको, और आप इसे मैच कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से हमने ये बनाया है, पहले हमने बनाया था काफ़ी समय पहले, ये शायद 2-3 महीने पहले बनाया है, तो ये बन चुका है, ये डिज़ाइन सामने है आपके, आप देख सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो आप कभी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, तो वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपसे ये सभी एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ शेयर करें मेरी वीडियो, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल पाए कभी डिज़ाइन बनाने के लिए, किसी को बॉक्स बनाना है, किसी को कुछ भी सीखना है, कोरल ड्रॉ के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको ये शेयर करें और बताएं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बाय, टेक केयर, पीस आउट।